सामने की अपनी ऑटो रिपोर्टर। आज मेरी ऑटो घूमी है बलरामपुर गार्डन की तरफ। यहाँ पर लगा है पुस्तक मेला। ये पुस्तक मेला 21 वर्षों से लगता आ रहा है। आपको बता दें ये मेला 27 तारीख यानी आज से लगा है और 6 अक्टूबर तक लगा रहेगा। यहाँ पर आने की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक। आइए बंदर बात करेंगे लोगों से चल करके कि इस मोबाइल के दौर में पुस्तकें कितनी महत्व रखती हैं हम लोगों के जीवन में और कितना पढ़ते हैं लोग पुस्तक। आइए बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है प्रेम शंकर आर्य। अच्छा, ये बताइए कि आप ये इस पुस्तक मेले में कब से अपनी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं? देखिए, मैं इस पुस्तक मेले में वैदिक साहित्य वर्ष 2010 से निरंतर लग रहा है, जिसमें वेद, उपनिषद, दर्शन, जो हमारे ऋषियों मुनियों के जो संजोया हुआ ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आजकल के इस फ़ोन के ज़माने में और ये जो सब कुछ इतना ज़्यादा डिजिटल हो गया है, तो उसमें क्या प्रिंट मीडिया की तरफ लोग जा रहे हैं? कोई आता है पढ़ता है या लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं या पहले से कम हो गया है इस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, प्रिंट मीडिया का अपना अलग महत्व है और इसका इस मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक का अलग महत्व है। उसमें हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, लेकिन इसमें इत्मीनान से बैठ करके पढ़ते हैं, क्योंकि वैदिक विषय जो वेद हैं एक गंभीर विषय होता है, उसमें चिंतन भी करना होता है, तो इसलिए इसके महत्व को तो कम होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सभी लोगों को पढ़ने के अलावा कोई विकल्प और है नहीं इसका। इसमें हमारे यहाँ गुरुकुलीय पद्धति है, जहाँ गुरुकुलों में बच्चों को उसकी पद्धति से संस्कृत व्याकरण आदि का ज्ञान दिया जाता है, जिससे कि वो वेदों के भाव को सही रूप से समझ सके। आइए बात करते हैं इस पुस्तक मेले के ऑर्गेनाइजर से, जिनका नाम है मनोज सिंह चंदे। सर, ये बताइए कि आपका यहाँ पे क्या पद है, किस पद पर आप? मैं कन्वीनर हूँ राष्ट्रीय पुस्तक मेले का। और ये राष्ट्रीय पुस्तक मेला सन 2003 में शुरू हुआ और इस वर्ष ये हमारा 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला है, जो कि 27 सितंबर से शुरू हुआ है और आगामी 6 अक्टूबर तक बलरामपुर गार्डन अशोक मार्ग पर आयोजित हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो दिन से लखनऊ का भी मौसम बहुत ही खुशगवार है, हालांकि बारिश हो रही है, रुक रुक के लगातार भी बारिश हो रही, उसके बाद भी आप देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में पाठक लोग आए हैं और बहुत सारे छोटे बच्चे भी आए हैं। तो एक बहुत ही सुखद अनुभव है कि जैसा कि हम लोग आजकल ये मान रहे हैं कि लोगों को समय कम मिल रहा है पढ़ने का, फिर भी अगर छोटे बच्चे उत्साहित होकर यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये सब आप लोगों के चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जो उनको मिलती है खबरें, उससे वो आते हैं। और यहाँ पर सारे भारतवर्ष के जो बड़े प्रकाशक हैं, जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, मुंबई, सब जगह से आए हुए हैं और हजारों हजार लाखों किताबों का यहाँ पर संग्रह है, जो कि एक छत के नीचे आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। आजकल ज़माना इतना ज़्यादा डिजिटल है, लोग मोबाइल पर ही सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अब प्रिंट मीडिया थोड़ा पिछड़ गया है? इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये तो आपको भी मालूम है कि जो चेंज होता है, जो भी हमारे यहाँ पे परिवर्तन होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो हमें अपनी नई टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना है, साथ ही साथ जो हमारी परंपरा है, जो हमारा जो एक इतिहास है, उसको भी साथ में कायम रखना है। आज के समय में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि लोगों के पास समय कम है और वो ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें जो है फ्लैश होती है, जो इमीडिएट होती है, वो उनको मोबाइल और सोशल मीडिया और गैजेट से मिल जाती, लेकिन जो किताबों का एक अपना महत्व है जीवन में वो आज भी बरकरार है। आप स्वयं देखिए कि यहाँ पर बहुत ही उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं और हमारी भी कोशिश है कि हम नए नए प्रकाशकों को प्रतिवर्ष लाएं और जो कुछ भी प्रकाशन में हो रहा नया, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिले। राज जी, ये बताइए कि आप कितने वर्षों से इस मेले में लगा रहे हैं अपनी स्टॉल? 2 साल। ये बताइए कि आजकल जब हर चीज़ डिजिटल हो गई है, तो क्या प्रिंट मीडिया की तरफ लोग आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, आप जो देख रहे हैं बहुत लोग ले जा रहे हैं बुक। बहुत लोग ले जा रहे हैं, लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं बुक्स पढ़ने में, दिखाते हैं। हमारा आप... फन मॉल में भी है शॉप। हाँ। फन मॉल ग्राउंड फ्लोर पे बीइंग बुकिश, वहाँ बहुत लोग। यस यस।
गोमती नगर। ये बताइए कि आप बेसिकली किस टाइप की बुक्स हैं आपके पास और किस तरह के लोग आपके बुक्स पढ़ रहे हैं, मतलब कोई एज है? फिक्शन है, नहीं एज का कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, अच्छा। पढ़ाई में फिक्शन, नॉन फिक्शन है, नॉवेल है, लव स्टोरी, बच्चों की बुकें हैं। यहाँ देखिए मांगा रखी हुई है, मतलब छोटी एज से लेके बड़े तक सब बच्चे यहाँ पर। अच्छा, तो आज ये पुस्तक जो मेला लगा है तो इसमें अभी तो शुरुआत हुई है, तो आपको क्या लग रहा है कि जनता का रुझान, लोगों का रुझान हो रहा है या नहीं, लोग आ रहे हैं या नहीं? लोग तो बहुत आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, बुक भी ले जा रहे हैं। अच्छा, क्या प्राइस है आपकी बुक्स का, क्या स्टार्टिंग है? हमारे 99 रुपीज़ से। 99 रुपीज़ में यहाँ पर आपको बुक्स मिल सकती हैं, तो आप चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। आज से 6 अक्टूबर तक यहाँ पर ये पुस्तक मेला लगा हुआ है। आइए बात करते हैं अब हम जनता से, देखते हैं कि उनके क्या विचार हैं पुस्तकों को लेकर। क्या नाम है मैम आपका? वंदना राज। अच्छा, ये बताइए कि आजकल जब सब कुछ इतना ज़्यादा डिजिटल हो गया है तो लोग क्या प्रिंट मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब प्रिंट मीडिया कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है, तो क्या लोगों को क्या विचार है प्रिंट मीडिया को लेकर, आपकी क्या विचार है? नहीं, मेरे तो विचार यही है कि किताबें पढ़ने का एक अपना सुकून होता है। अच्छा। एक अलग, जब चाहा पढ़ लिया, अब वो हम फोन में या कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं आँखों पे, जैसे वैसे अपना दूसरा रहता है। अच्छा, चलिए आप तो ओल्ड एज हो गई, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो यंगस्टर हैं अभी, जो यंग लोग हैं, उनको पढ़ना चाहिए? तो क्या वो पढ़ रहे हैं या फिर वो अब थोड़ा थोड़ा इससे मुद्दा विहीन हो रहे हैं इन सभी चीज़ों से? कुछ कम पढ़ रहे हैं, जनरली लोग कंप्यूटर पे या मोबाइल पे पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं आजकल के बच्चे। अच्छा, तो आपने कोई बुक ली है अभी यहाँ पे रिसेंटली, कोई बुक आपने परचेज की है? कौन सी? अभी दो चार। मैम ने ये 2-4 बुक परचेज की है, गुनाहगार। ये क्या देख के आपने क्या सोच के इसको लिया है? मैं इनकी बुक्स पसंद करती हूँ, इसमत चुगताई जी की। अच्छा, इनकी बुक्स पसंद करती हैं। तो आपने सब इनकी बुक्स ली है, तो आप सब आपने इन्हीं की बुक्स ली है या नहीं? नहीं, अलग अलग ली है। अच्छा। ये नए राइटर हैं जिनकी मैंने ली है। अच्छा। और ये धनवीर भारती जी जो पहले बेदखल, इनकी बड़ी फेमस, कमलाकांत त्रिपाठी, और ये फेमस है कानुप्रिया चेहरे। आइए बात करते हैं और लोगों से, देखते हैं कि उनके क्या विचार हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आर के जैन है। अच्छा, आर के जैन जी, ये बताइए कि आपको लग रहा है कि युवा भी अब प्रिंट मीडिया में इंटरेस्टेड हैं? हाँ बिल्कुल है, अभी हैं, अवेयर हो रहे हैं। अच्छा, तो आप किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं? ऐसा है कि मेरा जो स्ट्रीम रहा है वो साइंस का रहा है, और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, बॉटनी मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है, तो मैं ज़्यादातर स्टडी से रिलेटेड बुक्स ही देखता हूँ। अच्छा, तो अभी आपने कुछ लिया है? मैंने तो नहीं लिया, मेरी मिसिस ने लिया है। चलिए, थैंक यू। ओके जी, मैं दिल्ली से वाणी प्रकाशन और भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा मैं यहाँ पे प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ, और 21 साल से लगातार लखनऊ में हम पुस्तक मेला लगा रहे हैं, और हर साल किताबें अच्छी बिकती हैं, और यहाँ के पाठकों में रुझान इतना है, कहा जाए शायरी के ऊपर इतना फोकस है हर युवा में, हर एज के ऊपर, मतलब हर युवा इतना पढ़ते हैं हर तरीके। हमारे यहाँ मुनव्वर राणा, गुलजार साहब, निदा फाजली, बशीर बद्र इत्यादि मशहूर शायरों की शायरी हमने पब्लिश प्रकाशित की है वाणी प्रकाशन के आदमी। तो बेसिकली क्या आपका जो ये प्रकाशन है वो सिर्फ शायरी को प्रकाशित करता है या फिर और भी तरह की बुक्स होती हैं? नहीं, हमारा वाणी प्रकाशन और भारतीय ज्ञानपीठ हमेशा ही हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए सभी विषयों की पुस्तकें प्रकाशित करता आ रहा है और करता रहा है और कर रहा है, जैसे कि उसमें उपन्यास, कहानी, आलोचना, शायरी, ग्रंथावली, और शोधार्थियों के लिए स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आलोचना की पुस्तकें बहुत हैं, और इस बार हम कम से कम 10,000 से ऊपर टाइटल हैं हमारे स्टॉल पर। अच्छा, युवाओं को एक आप बहुत अच्छी सी बुक सजेस्ट कीजिए। आपका ये जो पुस्तक मेला है वो 6 अक्टूबर तक लगा हुआ है, तो शायद कोई आपकी बात सुनके लेने आ जाए। जी, एक अच्छी सी बुक, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, दूसरी किताब है पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश जी की, तीसरी दीवार में एक खिड़की रहती थी,
विनोद कुमार शुक्ल जी की, और शायरी का तो आपको पता ही, बशीर बद्र का पूरा साहित्य हमारे पास है। अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि जब 2003 से ये पुस्तक मेला लग रहा है और आज 2024 हो गया है, तो पहले जो लोग आते थे पढ़ने के लिए, जो ऑडियंस हुआ करती थी, तो उसमें अब वृद्धि हुई है या फिर वो घटते जा रहे हैं समय के साथ? नहीं, तब से 2003 में 21 साल में फ़र्क पड़ा है। सेल मतलब पब्लिक, ग्राहक पाठक जो है पहले से ज़्यादा। अच्छा। और युवा पाठक ज़्यादा है, पहले ज़्यादा आता है, डिजिटल जैसे देख रहा है, कोई रील देख रहा है लगातार, अब वो शेर व शायरी की एक शायरी सुनता है, उन्हें या किसकी है, जॉन अलिया, जॉन अलिया को भी हमने पब्लिश किया है, तो वो ढूंढते हुए आते हैं ये कितना अच्छे शायर हैं, कहाँ प्रकाशित हुए हैं। अगर आपको भी पढ़ना है पीली छतरी वाली बुक या फिर दीवार में खिड़की हुआ करती थी, तो आप आए यहाँ पर वाणी प्रकाशक जो दिल्ली से हैं, यहाँ पर आकर के आप वो किताब ले सकते हैं। अनुष्का जी, ये बताइए कि आपने कौन सी बुक खरीदी है? ये सिस्टर्स ऑफ माय हार्ट बुक का नाम है और ये चित्रा बनर्जी देवकुंडनी की एक बुक है। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड रीडिंग चित्रा बनर्जी देवकुंडनी एंड शी राइट वंडरफुल फेमिनिस्ट बुक्स, लाइक सब में कहीं इनकी जो बाकी की किताबें हैं, पैलेस ऑफ इल्यूजन्स और फॉरेस्ट ऑफ एंचैंटमेंट, सो ऑल ऑफ देम आर अराउंड वुमेन इंडिपेंडेंस, सो वन ऑफ देम इज ऑन सीता, अनदर वन इज ऑन द द्रौपदी, सो आई रियली लाइक हर, सो आई हैव बीन लुकिंग फॉर द स्पेसिफिक राइटर थ्रू आउट द लाइक बुक फेयर एंड लाइक इट्स वंडरफुल, आई वुड रिकमेंड अदर पीपल टू रीड इट टू। अच्छा, अब ये बताइए कि यहाँ पर ये जो पुस्तक मेला है वो 2003 से लग रहा है, तो अभी 2024 में रिसेंटली आपको ये कब पता चला कि ऐसे यहाँ पे पुस्तक मेला लगा? मैं बहुत बचपन से आ रही हूँ। अच्छा। मुझे साल तो नहीं याद कि मैं कब से आ रही हूँ, बट मैं बहुत बचपन से आ रही हूँ ये पुस्तक मेले में, हमेशा ये सितंबर के महीने में ही लगता है, तो मुझे जहाँ तक याद है मैं करीब 10-12 साल से आ रही होंगी। अच्छा, ये बताइए कि आजकल हर चीज़ डिजिटल हो रही है, तो क्या लोग प्रिंट मीडिया को पढ़ना पसंद करते हैं? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से मैं तो पढ़ती हूँ किताबें, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो चीज़ें हमें किताब पढ़कर मतलब देर इज़ वो एक जो किताब से अटैचमेंट होता है, सुकून होता है कि हम उसे कहीं मतलब हमारे पास ये एक चीज़ है कि हमने पढ़ी थी, क्योंकि जब हम डिजिटल चीज़ें पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे फाइल में, फोल्डर में कहीं सेव होके छूट जाती है और फिर हम दोबारा उसे देखकर नहीं अटेंड कर पाते। जब हम बुक्स लेते हैं तब हम उसको एक बार पढ़ के दोबारा पढ़ के किसी और को भी दे सकते हैं, खैर डिजिटली वो देना ज़्यादा आसान है, लेकिन मुझे लगता है मेरा अटैचमेंट किताबों से ज़्यादा है। अच्छा, लोग कहते हैं कि पुस्तक ही आपकी सच्ची मित्र हैं। हाँ। तो इसको आप किस नज़र से देखती हैं? मुझे लगता है कि हम जब पुस्तकें पढ़ते हैं तो बहुत बार उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कभी कभी हम उसके बारे में दोबारा सोचते भी हैं कि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ यहाँ पर पढ़ी थी, तो कभी कभी हम उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं अपनी रियल ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं मित्र कह सकते हैं, मान सकते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, मैं पुस्तक मेले में आई और मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात करी, मुझे बुजुर्ग भी मिले, मुझे जवान भी मिले, सबका ये कहना है कि बुक्स हमारी सच्ची मित्र होती हैं, बुक्स हमारी सच्ची साथी होती हैं, यानी बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर आकर बुक खरीद सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए बने रहिए कैमरामैन दीपक के साथ, मैं कनक मिश्रा, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।